नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं दीक्षा ट्रेनिंग की। RSCRT द्वारा निर्मित दीक्षा पोर्टल पर प्रारंभ किए गए 5 ऑनलाइन मॉड्यूल की बात करेंगे, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने के संबंधित शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा भी आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जो 5 मॉड्यूल ऑनलाइन प्रारंभ किए गए हैं उसमें आपको प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण कैसे करेंगे, मॉड्यूल कैसे ओपन करेंगे, इस तरह से समस्त जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार RSCRT द्वारा निर्मित 5 ऑनलाइन मॉड्यूल, जो कि सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का करना अनिवार्य है, अपेक्षित है। इसके तहत दिनांक 1/10/2024 से 31/11/2024 तक पूर्ण किया जाना है, यानी 1 अक्टूबर से लगा के 30 नवम्बर तक ये कोर्स पूर्ण करने अनिवार्य होंगे। तो कौन कौन से कोर्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं 5 कोर्स हैं, जिसमें पहला कोर्स दिया गया है प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, ये नाम रहेगा प्रथम कोर्स का, जो सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता सभी के लिए ये अनिवार्य है। फिर आता है प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी का कोर्स, ये केवल अध्यापक लेवल 1 के लिए है। तीसरा कोर्स है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए समेकित शिक्षण विद्या, ये केवल अध्यापक लेवल 2 के लिए है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के अध्यापक आएंगे। विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग तथा सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया में, जिसमें शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के सभी शिक्षकों के लिए होगा ये कोर्स। पांचवा कोर्स है कक्षा प्रबंधन, जो कि माध्यमिक कक्षा में होते हैं, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के लिए कोर्स किया गया है। तो ये इस तरह से ये 5 कोर्स हैं जो अलग अलग लेवल के अनुसार दिए गए हैं। तो ये सभी शिक्षकों के लिए, ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, ये वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए दिया गया, जो माध्यमिक शिक्षकों के हेतु है। तो इन कोर्स को आप दीक्षा पोर्टल पे जाके किस तरह से कर सकते हैं, इसके डायरेक्ट ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक भी दिए गए हैं 5 कोर्स का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक के ऊपर जा करके जो आपसे सामान्य जानकारी मांगी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को पूर्ण कर सकते हैं। और यदि आप दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको ढूंढना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप को ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपने स्टाफ ID के द्वारा, यानी स्टेट विद सिस्टम के तहत लॉगिन करना अनिवार्य है, तो लॉगिन कर लें। लॉगिन यदि प्रोसेस आपको नहीं आती तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक अलग वीडियो दिया गया है, जिसको देख करके आप लॉगिन कर लें। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो क्लास आप सेलेक्ट करोगे वो क्लासेस सेलेक्ट होगी, यहाँ पे हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, जो भी कोर्स है वो यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्तमान में कोर्स कार्यरत है वो यहाँ पे शो नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कोर्स को ढूंढने के लिए ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो इस सर्च वाले पे जाना है और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है, जो कि सबसे पहला कोर्स दिया गया है, जैसे कि प्रशिक्षकों को हेतु जो बेसिक कोर्स दिया गया है, तो वो नाम यहाँ पे पूरा टाइप करना है। पूरा नहीं करते हैं तो केवल इतना लिख देते हैं, जैसे प्रशिक्षकों शुरुआती, और फिर इसको आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से कोर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने 2 कोर्स दिख रहे होंगे CPD आधारित, जिसमें दोनों सेम दिया गया है, एक ये और एक ये, तो आपको कौन से पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि RSCRT राजस्थान द्वारा दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इस पर ना करते हुए नीचे दिया है CPD RSCRT द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा एडमिन के तहत है, तो इस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ज्वाइन कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इस कोर्स के ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर यहाँ पर दी गई है और इसको 31 नवम्बर तक आपको पूर्ण करना है, तो एनरोलमेंट डेट है वो 31 अक्टूबर ही अंतिम तिथि है। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ज्वाइन होंगे आप यहां से स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पहला कोर्स है जो सभी के लिए अनिवार्य है, इसको ज्वाइन कर देना है। फिर वापस दूसरे कोर्स में यदि ज्वाइन करना है तो वापस इसी तरह इस सर्च पर जाना है, यहाँ पर आपको दूसरे कोर्स का जो नाम दिया गया है वो यहाँ पर टाइप करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि दूसरा कोर्स था प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी लर्निंग, तो इस तरह से आप लिखेंगे प्राथमिक, इतना लिख करके आप सर्च करेंगे तो वर्तमान में चल रहे सारे कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में रिकवरी वाला यदि शो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसको पूरा लिखना है। पूरा लिखेंगे प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी, तो यहाँ पे आपके सामने ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 आपके सामने दिख रहे हैं, ये हैं पब्लिश बाई भरत माली और यह डायरेक्टर RSCRT, तो इसके ऊपर आपको जा करके ज्वाइन कर देना है।
तो इसी तरह पहले किया इसी तरह वापस इसी के ऊपर जाएंगे। तो अभी ये बेस अवेलेबल नहीं है, तो आप ऊपर वाले पे भी क्लिक करेंगे, यदि वो अवेलेबल हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी कोर्स को यहाँ पे आपको इस तरह से सर्च करना है और उसमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के उपरांत इस कोर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो इस तरह से सारे कोर्स सर्च करके आप ज्वाइन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जानकारी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।